राष्ट्रीय ध्वज के नीचे उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के जीएसडब्ल्यू साहब, हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, भौतिकी के विभागाध्यक्ष महोदय, इतिहास के विभागाध्यक्ष महोदय, और हमारे बीच हमारे शिक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, भूगोल के शिक्षक गणेश बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं, मनोविज्ञान के विभाग के शंकर मिश्रा जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं जो हमारे संघ के सदस्य हैं डॉक्टर बीके दयाल साहब, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एमएड के विभागाध्यक्ष बुद्धप्रिय जी, और हमारे विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, बच्चों, आज का दिन गर्व करने का दिन है। आज हम लोग अपने आज़ादी का 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्षगांठ पर जो है निश्चित रूप से हम लोग गर्व करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, हम अपने बापू को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित नेहरू को याद करते हैं, हमने जो हजारों जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने का काम किया है, मैं उन्हें सभी को नमन करता हूं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं उन्हें सबों के तरफ से मैं उन्हें नमन करता हूं। मैं अपने बीएन मंडल विश्वविद्यालय के तरफ से सारे स्वतंत्रता सेनानी के अलावे ये 70 साल में जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद देश को मजबूत करने का कार्य किया है और वो अभी हम लोग के बीच नहीं है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ कि आपने आज़ाद भारत को एक बेहतर भारत बनाने का जो आपने कार्य किया है, इसलिए मैं आपको अपने संघ के तरफ से मैं आपको भी नमन करता हूँ। आज जिस परिस्थिति में हमारा देश चल रहा है, लगभग उसी परिस्थिति में हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी चल रहा है। आज देश के चारों तरफ से हम लोग जो है सो एक विदेशी ताकत जो है सो हम लोग के ऊपर जो है सो आँख गड़ाए बैठा है,
तो बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी कोरोना जैसे महामारी के तरफ से जो है सो आँख गराए बैठा है। हम लोग को दोनों तरीका से जो है सो चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करना और इस चुनौती से उभरना हम लोग की पहली जिम्मेवारी होती है। आज जब हम लोग अपने इस झंडा के नीचे 26 जनवरी को हमारे अध्यक्ष जी जब झंडोत्तोलन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी आशाएँ की थी, बहुत बहुत बड़ी बातें की थी कि हम लोग आने वाले ये 2020 में हम लोग अपने मुकाम को छुएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग अपने विभाग को, अपने कैंपस को एक ऊंचाई दे सकें, अपने शिक्षकों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, अपने छात्रों की जाती है कि आज नॉर्थ कैंपस हरा भरा ही नहीं, एक बेहतर लाइब्रेरी, बेहतर लेबोरेटरी और बेहतर जो है सो एक जो है सो पर्यावरण के साथ साथ एक बेहतर जो है सो व्यवस्था कायम करने में आपको आत्मनिर्भर होने की तैयारी में जो है सो कार्य कर रहे हैं। तो वहीं बीएन मंडल विश्वविद्यालय का चाहे एमलिस बीलिस की पढ़ाई हो, चाहे बीएड और एमएड की पढ़ाई हो, चाहे और विभाग जो खोलने की बात हो, बहुत विभागों की खोलने की बात हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग के जिम्मे एक जिम्मेवारी है और हम लोग हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षेतर कर्मचारी इस जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। आज जिस कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, इस कोरोना काल में हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कैसे देश को इस कोरोना से बचाते हुए अपने देश के सारे अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को, अपने संस्था को कैसे हम उच्च कोटि में जो है सो ले जा सकें, कैसे बेहतर कर सकें, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है सो आज जो है सामने में है। आज बड़ी बात है कि आज हमारे शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को एक खास करके हम अपने शिक्षकों से, अपने विभागाध्यक्षगण से, डीन साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधीन जो आपके शिक्षक हैं, शिक्षकतर कर्मचारी हैं, उनको आप उस स्थिति में लावें कि ये कोरोना काल यदि किसी विपरीत परिस्थिति में कभी हम लोग के सामने में किसी दूसरे आपदा के रूप में आवे तो हम अपने छात्रों को अपने पास रख करके, अपने छात्रों को अपने आसपास रख करके हम उनकी पढ़ाई वंचित से वंचित ना करें, उनकी पढ़ाई सर्वदा चलते रहे इसकी व्यवस्था करने का काम आप करें। हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग की जिम्मेवारी है जो अब नई शिक्षा नीति जो सरकार ला रही है उस शिक्षा नीति में हम लोग को स्पष्ट, वो भी शिक्षा नीति हम लोग के लिए एक चैलेंज साबित होगा। जिस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं इस परिस्थिति में वो शिक्षा नीति हम लोगों पर हूबहू लागू होगा, हम लोग बेहतर कर सकते हैं ये भरोसा नहीं दिलाता है। इसीलिए हम लोगों को, विभागाध्यक्षगण को खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप विभागाध्यक्षगण निश्चित रूप से ऐसे परिस्थिति से निपटने का व्यवस्था करें, ऐसा व्यवस्था करें अपने अपने विभाग में ताकि हम अपने छात्रों को एक बेहतर पढ़ाई दे सकें, एक बेहतर सुरक्षा दे सकें, एक बेहतर जो है सो कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें कि आने वाले समय में हम और हमारे विद्यार्थी जो है सो पढ़ाई में कम से कम बाधा उत्पन्न न हो। हम लोग के सामने में सबसे बड़ी जो समस्या है, हम लोग के सामने में समस्या है, हम लोग थ्योरी की व्यवस्था तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग लेबोरेटरी की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग लेबोरेटरी को बेहतर तरीका से बनाने के लिए हम लोग को आगे आना होगा, हम लोग को लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम लोग एक बेहतर जो है सो हम लोग की संकल्पना हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। और जब हम अपनी बेहतर संकल्पना के साथ अपने छात्रों को अपनी पढ़ाई दें, लेबोरेटरी दें, लाइब्रेरी दें तो निश्चित रूप से हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय एक बेहतर विश्वविद्यालय के तौर पर उभर के आएगा, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है अपने विभागाध्यक्षगण पर, मुझे विश्वास है अपने शिक्षक पर। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक जो है सो हर एक माह जो है सो हमारे यहाँ के शिक्षक जो है सो सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन खुशी की बात है कि कुछ नए शिक्षक भी हम लोग के बीच आ रहे हैं। ये नए शिक्षक ऊर्जावान हैं, ये नए शिक्षक कुछ देने की क्षमता रखते हैं, ये नए शिक्षक से हम उम्मीद रखे हुए हैं कि ये नए शिक्षक हम लोग के, हमारे छात्रों को एक बेहतर व्यवस्था देने में कामयाब होंगे। मैं उन्हें अपने संघ के तरफ से इस झंडा के नीचे से शुभकामना भी देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि अपने जो है सो अपने कार्य को दिखाने में वो सफल होंगे और सफलता के पीछे जो कोई भी कार्य करने की आवश्यकता होगी हमारे विभागाध्यक्ष हमेशा तत्पर रहते हैं। आज तक जो भी हमारे शिक्षक, जहाँ कहीं भी नए शिक्षक आए हैं,
उनको अपने विभागाध्यक्ष हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि आप आगे आएं, पढ़ाने में आगे रहें, इसके लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं। मैं फिर उनको शुभकामना देता हूं। दोस्तों, आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, आज कोरोना काल है, हमारे शिक्षक हमसे दूर हो चुके हैं, सब अपने अपने घर से जो है सो रहने का हिदायत दिया गया है। आज SOP मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ झंडा के नीचे हम लोग जो है सो झंडा को सलामी देने के लिए आए हुए हैं। इस झंडा के नीचे से ये कहने में कोई जो है सो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे शिक्षक 100% कामयाब हो रहे हैं। हमारे शिक्षकों का बहुत सारा मांग होता है, उस मांग में हमारे शिक्षक की प्रोन्नति है। हमारे शिक्षकों के समय पर वेतन देने की बात है, हमारे शिक्षकों की बेहतर क्लास की मांग होती है, बेहतर लेबोरेटरी की मांग होती है। निश्चित रूप से हमारा विश्वविद्यालय हम लोग को साथ दे रहा है। आज सबसे जो बड़ी चुनौती है हम लोग के सामने में कि हमारे छात्र जो है सो निराश हो रहे हैं, हमारे विभागाध्यक्ष खास करके और शिक्षकगण, हम अपने छात्रों को निराश ना होने दें। यदि एक बार छात्रों में नकारात्मक दृष्टिकोण आ गया तो वह कभी बहुत दिनों तक हम लोग को झेलना पड़ेगा। फिर सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए हमें काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी विभागाध्यक्षगणों से, शिक्षकगणों से अपेक्षा करते हैं कि आप अपने भावना के नज़दीक आप रखें और उन्हें भावनात्मक रूप से सकारात्मक ऊर्जा भरने का कार्य करें। आज निश्चित रूप से ये कोरोना जो है सो हम लोग के लिए एक आपदा बन के आया है। जिस परीक्षा को मई में हम लोग को कराना था, आज जो है सो सितंबर में भी अभी तक कराने की स्थिति में हम लोग नहीं हो पाए हैं। जब तक सरकार के तरफ से कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। DSW साहब मौजूद हैं, हमारे छात्रों को जहाँ मई में एडमिशन कराना था, आज सितंबर में हम उस स्थिति में नहीं है कि हम नामांकन करा सकते हैं। चाहे मामला ग्रेजुएशन का एडमिशन का हो कि मामला जो PG में एडमिशन का हो या MEd में एडमिशन का हो, ये सारे मामले इस कोरोना के चलते हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इस कोरोना से हम लोग मुक्त होंगे, मुझे विश्वास है इस कोरोना को हम मात देंगे और इस कोरोना से हम लोग जो है सो मात देते हुए हम विजय पाएंगे, अपने विश्वविद्यालय के एक मुकाम पर ले आएंगे। आज हम लोग के सामने में जो है सो वेतन, जो जून का वेतन, मुझे लगता है कि कल जो है सो वेतन जो है सो हम लोग का यहाँ से रिलीज हो गया है, भेज दिया गया है ट्रेजरी को। और हमारे शिक्षकगण बार बार चर्चा करते हैं कि हम लोग का जो एरियर है 39 महीने का, क्यों नहीं 39 महीने का एरियर हम लोग को मिल पा रहा है। साथियों, आप लोग सभी को पता होगा कि ये एरियर के लिए सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें कहा गया है कि आप जब तक PVC का स्लिप आपको 7th पे का नहीं मिल जाता है तब तक आप उस राशि का भुगतान ना करें। इसीलिए संघ पर भी एक नैतिक रूप से ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सरकार की चिट्ठी को माने और विश्वविद्यालय पर दबाव देने में हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन परसों मेरी बात हो रही थी पटना से, तो कहा गया है कि आप 10 से 15 दिन में जो है सो सारे शिक्षकों का 7th पे का जो है सो स्लिप जो है सो आपके विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं हम लोग का 39 महीने का एरियर जो है सो इस अगस्त माह के अंत तक में जो है सो मिलने की उम्मीद जगेगी। और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ अपने सभी साथियों को, BN मंडल यूनिवर्सिटी सर्विस टीचर्स एसोसिएशन के साथियों को, कि हम लोग अपने विभागाध्यक्ष के साथ, अपने विश्वविद्यालय के साथ एक तारतम्य बना के रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में अधिकांश जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग के बीच के जो है सो टीचर होते हैं। निश्चित रूप से टीचर के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है। निश्चित रूप से हम लोग खुश हैं कि हम अपने विश्वविद्यालय से एक तारतम्य बनाते हुए हम आगे का जो विकास का मार्ग हम लोग प्रशस्त कर रहे हैं। मामला आज के तिथि का है, जो हमारे जो डीन जो सोशल साइंस है, 180 शिक्षकों का जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जिनकी नियुक्ति की गई थी, उनका भी पैसा जो है सो बड़ी मशक्क़त से हमारे साइंस के डीन, और खुद मैं भी उस कमेटी में था, हमारे डीन सोशल साइंस के बड़ी तन्यता के साथ हम लोगों ने 180 शिक्षकों का वेतन विश्वविद्यालय राज्य सरकार से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे विश्वास है कि अगले सप्ताह तक में यदि खुल गया IV सारे शिक्षकों का क्रिएट हो जाता है, तो उसके अगले सप्ताह में सभी 180 शिक्षकों को जो है सो वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं अपने
सभी वैसे शिक्षकों से कहना चाहता हूँ जिन शिक्षकों की प्रोन्नति जो है तो अभी जिन चाहिए अभी, ऐसे शिक्षकों के लिए भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो है सो नोटिफिकेशन हो गया है, सबको आवेदन मांगा गया है, लेकिन ये कोरोना काल जो है उस पर भी जो है सो एक ब्रेक लगा दिया गया है, जिसके कारण से जो है सो मुझे एक आगे बढ़ करके मुझे लिख के देना पड़ा कि आप शिक्षकों का जो आवेदन मांगा गया प्रोन्नति के लिए उसे बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ा करके जो है सो पुनः 20 सितंबर किया गया है। निश्चित रूप से सारा कार्य शिक्षकों का चल रहा है, शिक्षकों को कहीं से कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी है तो छोटी मोटी परेशानी हम लोग के सामने में आता रहेगा, और हम लोग उसको झेलते रहेंगे, उसको पार करते रहेंगे, और हम लोग की जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन सबसे जो बड़ी मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हम अपने छात्रों को, चाहे हमारे पीजी का स्टूडेंट हो कि पीएचडी का स्टूडेंट हो या रिसर्च स्कॉलर हो, उन लोग को उत्साहित करके रखें, उनमें सकारात्मक ऊर्जा भर के रखें, और वही हम लोग की पूंजी है। उन्हीं का भाग यदि हम लोग बना सकें, बेहतर कर सकें, तो हम लोग का विश्वविद्यालय का भाग बनेगा, विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, और हम लोग सफलतापूर्वक जो अपने कार्य को निर्वहन करने में आगे आएंगे, और हम लोग का सम्मान भी उन्हीं की सफलता पर हम लोग का सम्मान निर्भर करता है। मैं पुनः आप लोग को इस झंडे के नीचे से, मैं आप लोग को पुनः इस 74वें गणतंत्र दिवस पर, मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को जो है सो मैं 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले 26 जनवरी तक हम कोरोना से तो मुक्त होंगे ही, और जो पेंडिंग कार्य रह गया है, चाहे हम लोग का जो है सो शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला हो, या हमारे पीजी और जो पीएचडी के छात्र हैं जिनका जो है सो अभी परीक्षा विलंबित हो रहा है, इस विलंबित परीक्षा को हम आगे जो है सो कराने में, सो समय कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके अलावे जो नामांकन की बात है, पीजी में हो या यूजी में हो या फिर पेट 20 की बात हो, ये सारा कार्य स्व समय हम लोग कराने में सक्षम होंगे, हम लोग की एकजुटता हम लोग को मदद करेगी। इसी के साथ मैं पुनः बधाई देता हूँ, अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।